देश की रक्षा में मुस्तैदी से तैनात सेना के कई जवान इन दिनों ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने पहुंचे हैं। दरअसल संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा आनंद सरोवर परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमाड़े, संस्था के मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रज मोहन भाई, प्रभाग के अध्यक्ष अशोक गाबा, उपाध्यक्ष बीके शुक्ला दीदी, कर्नल सती, कर्नल शिव सिंह ने दीप जलाकर किया। आज जो ब्रह्म कुमारी द्वारा किया जा रहा है, ऐसा विचार कैसे आ गया? लगे रहते श्री राम, जय जय राम, आओ ये करो वो करो, भंडारे चलते रहते, पॉजिटिव विचार कैसे आया? ये भी एक बड़ी बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को ध्यान की जरूरत है, ध्यान केंद्रित करना है देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये संतों की भूमि है, ये श्री कृष्ण की भूमि है। आप जानते हैं किस तरह से उन्होंने कहा था, उठो यदा यदा ही धर्मस्य वाला, जो मैंने अभी बताया। और कहते हैं कि जिसने गीता पढ़ लिया वो तो योगी हो गया, सारा योग तो उसके अंदर है। लेकिन जो जिस तरह से हम सारी चीजों को आज अंतर मन के द्वारा कई लोग देख भी लेते हैं, आर्मी में भी जो हमारे फौज में होते हैं कई लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, आप में भी कई चीजों के लिए आपने देखा होगा, कहते हैं कि कभी मैंने ये सोचा यार ये तो मैंने 2 दिन पहले सपना देख लिया था, वैसा घटित हो गया है। अंतर्मत में तो सबके है चीज, लाइट है। अब 1000 वाट का बल्ब है या 0 वाट का बल्ब है, अपने बल्ब की हमको पावर बढ़ानी है। और इसके लिए राइट फोरम है अपना यहाँ पर ब्रह्म कुमारी का, हमारा जो SSW आपने यहाँ पर नाम दिया है। हम जानते हैं कि भगवद गीता का पहला लेसन क्या है कि आप कभी ख़त्म ही नहीं होते, आप आत्मा हैं। ये भगवद गीता का पहला लेक्शन है जो भारतवासी को ही मिलता है भगवान की तरफ से, कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। अच्छा, अगर किसी को ये पक्का विश्वास हो जाए और अनुभव हो जाए अच्छी तरह से कि मैं कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तो इससे बड़ी सुरक्षा क्या हो सकती है? और इसी को हम सच कहते हैं, सत्यमेव जयते, के सच सदा ही रहता है, सत की सदा ही विजय रहती है। तो पहला सत्य यह है कि मैं आत्मा हूँ। ट्रेनिंग में तो हमारी दिनचर्या बहुत सही रहती है, क्योंकि एक समय पे उठ के एक्सरसाइज करके, लेकिन जब हम कार्य में जाना शुरू करते हैं और जब अपनी खुद की दिनचर्या शुरू करते हैं, उसमें सब डावांडोल हो जाता है। लेकिन इधर आप देखोगे कि सभी जो इस संस्था से जुड़ गया है उनकी एक नियमित दिनचर्या होती है, और वह इतनी सही है कि सारा दिन उनकी ऊर्जा और उमंग रहती है। यही हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे आगे क्या है कि हमें कहाँ युद्ध में लड़ना है, तो युद्ध के मैदान में भी हमें तत्पर रह के विजय प्राप्त करनी है। और यही आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि जो भी आप कार्य कर रहे हो वो इतनी कुशलता से करो, चाहे युद्ध में हो तो ज़रूर जीत हासिल करनी है। आप जैसे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए अपने पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं ना, कवच वगैरह, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। इसी प्रकार ये जो मनोविकार है, जो हमारे असली शत्रु है, जिन्होंने उस बाहरी शत्रुओं को भी पैदा किया, उन शत्रुओं को जब तक हम नहीं जीतेंगे, जितेंद्रिय नहीं बनेंगे, तब तक हमारी वासनाएं भी खत्म नहीं होगी, हम सशक्त नहीं बन सकते। आगे के दिनों में संस्था के फैकल्टी मेंबर्स ने पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, हार्मनी इन रिलेशनशिप, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, मेडिटेशन टेक्निक, स्लीप मैनेजमेंट, राजयोग मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री हेल्दी लाइफ जैसे कई विषयों पर सेना के जवानों को संबोधित किया।
हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें पता है क्या कहते हैं, बेफिक्र बादशाह। साधारण बादशाह नहीं, एक किंगडम के बादशाह नहीं, बेफिक्र, और उसका बादशाह हूं, चिंता नाम की चीज नहीं है। एंड आई ड्रॉप इट, एंड आई नो गॉड इज गुड टू मी एवरी डे, ही विल टेक इट। एंड ये कॉन्शियस शिफ्ट जो है, ये हमको एक तरीके से लाना है, आई एम बोल्ड, आई एम अमेजिंग, आई एम माइटी, आई एम पावरफुल। यस, सो लाइफ इज ओनली एज गुड एज योर माइंडसेट। इस माइंडसेट को ठीक करिए, थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग को। हम देखते हैं कि हमारे संबंधों में परमात्मा ने हमें सिखाया है कि सुंदर स्मृति का चक्र है, तो हमारे अपने साथ संबंध, अपनों के साथ संबंध का आधार क्या है, हमारी स्मृति, हमारी अवेयरनेस। सम्मेलन में भारत की तीनों सेनाएं यानी जल, थल और वायु सेना के जवान शामिल हुए। सभी अधिकारी और उनके परिवार के लोग मुख्यालय के आध्यात्मिक वातावरण से काफी प्रभावित हुए और अपनी जीवन यात्रा को राजयोग मेडिटेशन द्वारा तनाव मुक्त और खुशनुमा बनाने की बात कही। अंतर में कितनी खुशी और आनंद हो रहा है, मैं कितना सुंदर, परमात्मा का भाग्यशाली, परमात्मा का बहुत प्यारा लाडला बच्चा हूँ। अपने प्रति ये प्यार की भावनाएं मुझे कितना शक्तिशाली बनाती है।